तो दोस्तों देख लीजिए इस तरह से ये मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर बच्चे की लंबाई बढ़ जाती है तो दोस्तों हमारे बच्चे की पैंट की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, तो जीन्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, उसको लंबी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से दोस्तों हम खोल लेते हैं बाद में। तो इस तरह से मैं करूँगा किस तरह से इसकी लेंथ शॉर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों प्रॉपर, आप देखते जाइए वीडियो अंत तक। ये देखिए दोस्तों पहले की जैसे पूरी खुल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, टेलर टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों ये डेनिम है, यानी कि जीन्स की लेंथ शॉर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। बच्चों की जीन्स की लेंथ हर हमेशा शॉर्ट इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है तो वो फिर जीन्स छोटी हो जाती है तो लंबी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों मेरे एक पहले वीडियो भी है इसी तरह से, तो उसमें भी मैंने बता रखा है, तो उसमें मैंने वो प्रॉपर थोड़ा सी अलग ढंग से बनी हुई है। तो दोस्तों ये 3 इंच में मैंने करना है, तो ये सिलाई के साथ जो बस सिलाई के साथ सिलाई लगानी है हमको अंदर से, किस तरह से लगानी है मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी चैनल में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन कर लें दोस्तों, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाया 3 इंच में, और ये सिलाई है यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। आप चाहे तो अंदर से 1.5 इंच में, आप 3 इंच को शॉर्ट करना है तो 1.5 इंच में आप निशान लगा सकते हैं, तो इतना फोल्ड हो जाएगा हमारा प्रॉपर। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए इसके किनारे से मैं सिलाई लगा दूंगा, आप देखते जाइए वीडियो को अंत तक। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, पूरी ज़रूर देखना क्योंकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। आप भी अपने बच्चे की पैंट की लंबाई आराम से छोटी कर सकते हैं और बाद में उसको लंबी कर सकते हैं। बच्चे की हो आप बड़े की भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से 1.5 इंच में मैं निशान लगा लूँगा। बड़े की इसलिए कह रहा हूँ, कहें कभी कई बार हम टेलर से करवाते हैं, शॉर्ट करवाते हैं, उसके बाद उसको हो क्या आ जाता है, शॉर्ट हो जाती है हमारे जींस की लेंथ, तो फिर उसको बाद हम लंबी नहीं कर सकते उसको। तो अगर इस तरह से हम शॉर्ट करेंगे तो हम उसको लंबी आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल में अगर आप कोट पैंट की फिटिंग करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें, चैनल में वीडियो है दोस्तों, वीडियो देख कर आराम से आप कोट पैंट की फिटिंग कर सकते हैं, पैंट नैरो कर सकते हैं, वेस्ट टाइट कर सकते हैं, शर्ट की फिटिंग कर सकते हैं, शर्ट की स्लीव शॉर्ट कट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं 1.5 इंच, ये फोल्डिंग है, 1.5 इंच में हम निशान लगा कर आराम से इसको चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे अंदर से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों देखते जाइए आप एंड तक किस तरह से मैं सिलाई लगा रहा हूँ। और जो सिलाई है उसके किनारे में हम टाई लगानी पड़ेगी जो बाद में ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम इसको बाद में ओपन कर लेंगे। देख लीजिए मैंने सिलाई लगा चुका हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए हमारा फर्स्ट क्लास बॉटम आ गया। मैंने एक सिंगल बॉटम कर रखा है, आप दोनों को कर लेना, एक मैं एक को करके दिखा रहा हूँ आपको प्रॉपर। तो आप ये देखिए दोस्तों इसको अंदर से करके देखिए, यहाँ पर जहाँ पर सिलाई आएगी, सिलाई लगी है दोस्तों, ये प्रॉपर मिल चुका है। देखिए इस तरह से मिला दिया मैंने, तो ऊपर के जहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से है यहाँ पर हमको टाँका लगाना है, और दूसरी तरफ से भी सिलाई के पास ही टाँका लगाना है, और टाँका लगा कर हमारा फर्स्ट क्लास से ये मुड़ा रहेगा, और जब चाहो आप इसको ओपन कर सकते हैं। बच्चे की पैंट हर हमेशा इस तरह से ही शॉर्ट करनी चाहिए, शॉर्ट भी हो जाती है बाद में वो लॉन्ग हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से बने रहें आप चैनल में। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दें हमारी माताएं बहनों को, तब ताकि इसका बेनिफिट मिले। इस तरह से दोस्तों मैंने सिलाई लगा दी। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों देखिए इस तरह से हमारा बॉटम आ चुका है फर्स्ट क्लास, नीचे से आप इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।